हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव मतलब वोल्टेज और प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस के बारे में जाना था और उस पर अभी तक परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आए उसके बारे में डिस्कस करा था, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि विद्युत धारा मतलब I, विद्युत विभव मतलब V और प्रतिरोध मतलब R, इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? विद्युत धारा I, विद्युत विभव V और प्रतिरोध R, इन तीनों के बीच में क्या होता है? एक संबंध होता है। ये संबंध कौन प्रदर्शित करता है? ये संबंध ओम्स लॉ प्रदर्शित करता है। V is equal to क्या होता है आपका? I R। V is equal to क्या होता है आपका? I R, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्टेज, ठीक है। और प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। तो हमेशा एग्जाम में इनके मात्रक पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, हमेशा इनके मात्रक पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो V इज इक्वल टू आई आर मतलब इन तीनों के बीच में संबंध पता करना है। ये संबंध क्या बताता है? कि V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि V इज इक्वल टू आई आर कैसे आया और ओम्स लॉ मतलब ओम का नियम वास्तविक में होता क्या है, ठीक है। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे कि आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों को जोड़ना, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्लियर हो रही है इतनी बात? धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे, जो रुकावट उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हो आप? प्रतिरोध, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को हम किस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा आपको दिख रहा है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा है आपका श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इंग्लिश में यदि बात करें तो श्रेणी क्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड श्रेणी एवं समांतर क्रम को कहते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, और दोनों मतलब श्रेणी और समांतर क्रम दोनों यदि आ जाए तो क्या होता है। संयोजन का मतलब समझो बच्चों, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? हमको प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ना है। सीरीज मतलब होता है एक सीधी सरल रेखा में जोड़ना है। जैसे आपके पास तीन प्रतिरोध है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्रतिरोध को हम इस तरीके से बनाते, ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। यहां तक समझ में आया? इन तीनों प्रतिरोध जिसको इसको नाम दे दिया मैंने R1, इसको नाम दिया मैंने R2 और इसको नाम दिया मैंने R3। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, इन तीनों को हमको किस में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है।
पहला रेजिस्टेंस मतलब पहला प्रतिरोध, उसके जस्ट बाद दूसरा प्रतिरोध, उसके जस्ट बाद तीसरे प्रतिरोध को जोड़ना, मतलब एक के बाद एक को यदि जोड़ते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। जैसे पहला, तो पहला प्रतिरोध के ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये फर्स्ट सिरा और ये दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तो यदि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है तो दूसरे को पहले से जोड़ो, दूसरे को पहले से जोड़ो और इसके आगे भी हो तो इसी तरीके से हम जोड़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रतिरोध का सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक को जोड़ना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है समझना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, क्या पूछेगा, कुल प्रतिरोध, ठीक है। अब कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना श्रेणी क्रम, सीरीज में प्रतिरोध हमेशा जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम हो या सीरीज हो दोनों एक ही बात है। तो इनमें यदि कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस पूछे तो कुल प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसके आगे और हो तो और भी वो जुड़ते जाएंगे। यहां तक समझ में आया, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा का मान मतलब श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है। तो समझना, यदि करंट आपका यहां से गया, आई करंट गया, तो आई करंट आर वन में भी जाएगा, यही आई करंट आर टू में भी जाएगा और यही आई करंट आपका आर थ्री में भी जाएगा, ठीक है। करंट एक ही है लेकिन ये तीनों में जा रहा है, तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध जुड़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि धारा का मान क्या होता है, समान। किसमें समान होता है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक ही धारा सभी प्रतिरोध में जाती है, तो धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तीसरा पॉइंट वोल्टेज, वोल्टेज का मान क्या होता है, असमान। वोल्टेज का मान क्या होता है, असमान। क्लियर हो रही है बात, वोल्टेज सब में आपको असमान मिलेगा। कैसे, समझो, जैसे मैंने आपको बताया था कि तीनों के बीच में एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो यदि मैं इसके अक्रॉस इस प्रतिरोध के का वोल्टेज पूछूं, तो इस प्रतिरोध का वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज मैंने माना V1। समझना बच्चों ध्यान से, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो मैंने आपसे पूछा कि इस प्रतिरोध में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो इस प्रतिरोध का I कितना है, ये रहा I, R कितना है, R1, तो V1 is equal to I1 R1। Similarly में यदि इसका वोल्टेज पूछूं, तो इसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट ही फ्लो हो रहा है, तो I into R2, I into R2। Similarly यदि मैं पूछूं इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको मैं यदि V3 नाम दे दूं, तो क्या होगा, I, इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा है, तो I into R3, I into R3। तो आप देख सकते हो कि इस सीरीज में, पूरे सीरीज में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, समान, ठीक है। अब यदि वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज देखना, R1 के अक्रॉस कितना आ रहा है, IR1, R2 के अक्रॉस कितना आ रहा है, IR2, और R3 के अक्रॉस कितना आ रहा है, IR3। मतलब तीनों जगह वोल्टेज का मान क्या आ रहा है आपका, अलग अलग। तो श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान क्या रहता है, असमान। श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान क्या रहता है आपका, असमान। तो इतना याद हो जाएगा, सबसे पहले श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ता है, विद्युत धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है,
असमान। और श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक को जोड़ना। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते। चलिए दूसरा क्या है आपका? समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या है आपका? समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम क्या होता है समझना, जैसे प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है आपका R1, ये दूसरा प्रतिरोध है आपका R2, ये तीसरा प्रतिरोध है आपका R3, ठीक है। इन तीनों प्रतिरोध को आपको किस में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। अब समांतर क्रम क्या होता है समझना, इस पहले प्रतिरोध का ये हो गया फर्स्ट टर्मिनल और ये हो गया सेकंड टर्मिनल, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकंड टर्मिनल, ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक को जोड़ना, सेम इसी तरीके से समांतर क्रम का मतलब होता है इन, जैसे पहले हमने दो को एक से जोड़ा था, ये दूसरे का पहले रेजिस्टेंस का दूसरा पार्ट था और दूसरे का पहला था, तो दूसरे को पहले से जोड़ा था, तो सिमिलरली हम समांतर क्रम में क्या करेंगे, समान वालों को जोड़ेंगे। जैसे इसका टर्मिनल वन, इसका टर्मिनल वन, इसका टर्मिनल वन, तो इसको हमने जोड़ दिया सीरीज, इन सबको मैंने इकट्ठा जोड़ दिया, तो इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसे हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। मतलब एक तरफ के सबको एक तरफ जोड़ दो, दूसरे तरफ के सबको एक तरफ जोड़ दो, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो आपका संयोजन बनेगा, इसे आप क्या कहोगे? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। क्लियर हो गया बात? सभी एक तरफ के कॉन्टेक्ट को एक साथ जोड़ दो, दूसरे तरफ के सारे कॉन्टेक्ट को एक साथ जोड़ दो, तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसे आप क्या कहोगे? समांतर क्रम। फिर क्वेश्चन क्या क्या बनेगा इसमें? पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कुल प्रतिरोध कितना होगा इस परिपथ या इस सर्किट का, इस परिपथ या इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हमेशा याद रखना कि जैसे सीरीज में सारे रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन समांतर क्रम में यही प्रतिरोध उल्टे होके जुड़ते हैं। जैसे यदि आपसे कुल प्रतिरोध पूछे तो 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक है। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया जी? टोटल प्रतिरोध को क्या कहते हैं? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 upon R1, 1 upon R2 और 1 upon R3, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध एक साथ जुड़ जाते हैं R1 plus R2 plus R3, लेकिन समांतर क्रम में ये उल्टे होके जुड़ते, ये अपोजिट होके जुड़ते, ठीक है। और इनका जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब कुल प्रतिरोध आता है, वो भी अपोजिट आता है, वो भी क्या आता है? अपोजिट आता है। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर यदि देखा जाए दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा समझना, जैसे यहां पर यदि मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं, यहां पर यदि मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं, मतलब बैटरी लगा दूं, तो बैटरी से क्या निकलता है? करंट। तो यहां से करंट निकला, तो करंट आई निकला, ठीक है। आई को यहां पर आके दो रास्ते दिखे, एक ये वाला, एक ये वाला, तो ये आई फिर से बढ़ गया, आई वन और ये आई टू में बढ़ गया, ठीक है। फिर ये आई वन आगे बढ़ा, फिर आई वन को दो रास्ते दिखे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये फिर से दो भागों में बढ़ गया, आई थ्री और आई फोर, और ये आई थ्री इसमें चले गया। तो आप देख सकते हो कि प्रतिरोधों में जैसे आर वन, आर टू और आर थ्री में अलग अलग करंट जा रहा है, आई वन में कितना जा रहा है, सॉरी आर वन में कितना जा रहा है आई टू करंट, आर टू में कितना जा रहा है आई फोर करंट, आर थ्री में कितना जा रहा है आई थ्री करंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है? असमान। धारा का मान क्या रहता है? असमान। मतलब धारा का मान क्या रहेगा? असमान। यहां तक समझ में आया? समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान क्या रहता है? असमान, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तीसरा आपसे परीक्षा में क्या पूछेगा कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज, वोल्टेज मतलब विद्युत विभव, विद्युत विभव का मान क्या होता है? समान। विद्युत विभव का मान क्या होता है? समान।
ठीक है, वोल्टेज का मान क्या होता है आपका समान। यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, आपके घर के जितने भी कनेक्शन है, आपके घर की जो इलेक्ट्रिकल के जितने भी कनेक्शन है, जैसे पंखा हो गया, लाइट हो गया, टीवी हो गया, जितने भी कनेक्शन है, वो सारे कनेक्शन कौन से होते हैं? वो सारे कनेक्शन समांतर होते हैं, मतलब पैरेलल कनेक्शन होते हैं। सारे कनेक्शन कौन से होते हैं? पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा स्टूडेंट, तो इसको याद रखना कि आपके घरेलू कनेक्शन कौन से कनेक्शन होते हैं? आपके घरेलू कनेक्शन समांतर श्रेणी कनेक्शन होते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं पैरेलल कनेक्शन होते हैं। जिसे हम कह सकते हैं क्या? पैरेलल कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो तीन याद रखने वाली बातें याद हो गई। सबसे पहले कुल प्रतिरोध पूछेगा, तो कुल प्रतिरोध को कैसे निकालोगे? उल्टा करके जोड़ोगे। जैसे R1 है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, ऐसे सिमिलरली ये आगे चलता जाएगा। ठीक, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? 1/ के फॉर्म में आएगा, मतलब उल्टा फॉर्म में आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? धारा का मान क्या होता है? असमान। किसमें? समांतर क्रम में। ठीक है, तीसरा क्या याद रखोगे? वोल्टेज का मान क्या रहता है? समान, मतलब सभी में, R1 हो जाए, R2 हो जाए, या फिर R3 हो जाए, सभी में वोल्टेज का मान क्या होगा? समान होगा। यहां तक क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट, आपके घर के जितने भी कनेक्शन है वो कौन से कनेक्शन होते? पैरेलल कनेक्शन होते, समांतर कनेक्शन होते। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन को एग्जाम में हमेशा कैसे सॉल्व करते, थोड़ा सा समझो। जैसे कि मैंने एक सर्किट लिया, जैसे दो रेजिस्टेंस है, दैट इज ए R1 और ये आपका हो गया R2, R1 और R2। ठीक है, अब इनका आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, इनका आपको क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो R1 और R2 का कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 1/R3, मतलब ये हो गया आपका कुल प्रतिरोध। कैसे निकालोगे? 1/R1 + 1/R2। ध्यान से समझना, ये डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? इसका एलसीएम लोगे। इसका क्या लोगे? एलसीएम। R1 और R2 का एलसीएम कितना आएगा? R1 R2, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या को हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, किससे जोड़ेंगे? एलसीएम से। अब R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, बचा गया R2, तो ऊपर हो गया R2, और इस R2 से ये R2 कैंसिल हो जाएगा, बचा गया R1, ये हो गया R1, बीच में कौन सा साइन लगा है? प्लस। और ये कौन सा फॉर्म है? 1/R3। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसका जो कुल रेजिस्टेंस आता है वो भी उल्टा आता है, तो इसको यदि सीधा करोगे तो देखना क्या आएगा, Req, मतलब टोटल प्रतिरोध बराबर, इसको उल्टा करा तो ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज ए R1 R2, R1 R2 ऊपर चले जाएगा और ये वाला चीज नीचे आ जाएगा, मतलब R1 + R2। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हो तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होता है? गुणा बटे योग। दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे दोनों प्रतिरोधों का योग। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, यदि R1 का मान 2 है और R3 का मान कितना है, सॉरी R1 का मान 2 है और R2 का मान कितना है? 3 है, और आपसे पूछा कि इस विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो प्रतिरोधों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो दोनों प्रतिरोधों का ये डायरेक्ट निकालना है कि कुल प्रतिरोध कितना है, तो मैंने क्या कहा था? गुणा बटे योग। याद रखना हमेशा, गुणा बटे योग, मतलब दोनों प्रतिरोधों का गुणा कर दो, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 3 = 5, 5/6 इस पूरे परिपथ का क्या है? कुल प्रतिरोध 6/5 इस पूरे परिपथ का क्या है? कुल प्रतिरोध निकालना आ जाएगा। जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं तो उसको कैसे निकालते हो? डायरेक्ट गुणा बटे योग से आप इसको निकालते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते कि श्रेणी और समांतर क्रम दोनों आ जाए तो कैसा बनता है सर्किट। जैसे ये एक प्रतिरोध है R1, ये एक प्रतिरोध है R2,
ये प्रतिरोध है आर थ्री और ये प्रतिरोध है आपका आर फोर, ठीक है। श्रेणी का मतलब दोनों प्रतिरोध को एक के बाद एक जोड़ दो, ठीक है। और समांतर का मतलब ऊपर वाले से ऊपर वाला और नीचे वाले से नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो आपका सर्किट बना, ये सर्किट काय का बना, श्रेणी और समांतर क्रम दोनों का। आर वन और आर टू काय में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और आर थ्री और आर फोर काय में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो इस सर्किट को, इस विद्युत परिपथ को क्या कहते हो आप? श्रेणी एवं समांतर क्रम प्रतिरोध, श्रेणी एवं समांतर क्रम प्रतिरोध, ठीक है। तो कभी भी आपसे इसका क्या पूछेगा? कुल प्रतिरोध। परीक्षा में क्या पूछेगा? कुल प्रतिरोध क्या होगा, इस विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा पीछे से सॉल्व करते, एकदम लास्ट से सॉल्व करते हुए यहां तक सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करोगे समझना। सबसे पहले आर थ्री और आर फोर, आर थ्री और आर फोर, तो आर थ्री और आर फोर गुणा में है, तो गुणा में है, गुणा में मतलब दोनों काय में समांतर क्रम में, तो दोनों समांतर क्रम में है। तो मैंने क्या कहा था, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या लिखते हो? गुणा बटे योग, मतलब आर थ्री इंटू आर फोर अपॉन में आर वन प्लस सॉरी आर थ्री प्लस आर फोर, दोनों प्रतिरोधों का गुणा बटे दोनों प्रतिरोधों का योग, ठीक है। तो ये दोनों प्रतिरोध मिलके ये वाला प्रतिरोध बन गया। ध्यान देना, ये दोनों प्रतिरोध सबसे पहले क्या थे? समांतर क्रम में थे। और जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होता है? गुणा बटे योग, तो आर थ्री इंटू आर फोर और आर थ्री प्लस आर फोर, ठीक है। अब ये इनका कुल प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ये हो गया। अब देखना यहाँ पर क्या है आर वन और यहाँ पर क्या है आर टू। अब देखो कि ये जो तीनों प्रतिरोध है आर वन आर टू और ये वाला, ये तीनों प्रतिरोध अब काय में जुड़े हुए हैं? श्रेणी में जुड़े हुए। और श्रेणी में टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हो? श्रेणी में टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते? सभी प्रतिरोधों को जोड़ के, तो सभी प्रतिरोधों को जोड़ दो, आर वन प्लस आर टू प्लस ये वाले प्रतिरोध का मान आर थ्री आर फोर अपॉन में आर थ्री प्लस आर फोर, आर थ्री प्लस आर फोर। आ गया समझ में किस तरीके से निकालोगे? श्रेणी और समांतर दोनों आ जाए, क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना चालू करो। दोनों पैरेलल में थे, दोनों पैरेलल का कंबाइन बना दिया, उसके बाद ये तीनों सीरीज में आ गए। जब तीनों सीरीज में आ जाए तो इनके प्रतिरोधों को क्या करते हैं हम? जोड़ देते हैं। इनके प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इन तीनों पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपके, ठीक है। तो आपको ये सर्किट दिख रहा होगा, इस सर्किट में आपको बताना है कि इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, इस विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तो मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो इस सर्किट को पीछे से सॉल्व करना चालू करो। पीछे से सॉल्व करना चालू करें, देखना ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ये 25 ओम और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों काय में लगे हुए, ये दोनों सीरीज में लगे हुए, श्रेणी क्रम में लगे हुए। तो कभी भी कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं, इसका मतलब वो दोनों प्रतिरोध क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यदि मैं बोलूं 25 और 5 के जगह यदि कुल प्रतिरोध लिखना है तो आप क्या बोलोगे कि सर इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो तो इनका कुल प्रतिरोध आ जाएगा। इनका कुल प्रतिरोध कितना जाएगा? 25 प्लस 5 30 ओम, ठीक है। इधर देखना, ये आ गया आपका 30 ओम, दोनों को आपने जोड़ दिया 25 प्लस 5, यहां पर कितना है 20 ओम, ठीक है। अब सर्किट इतना सा हो गया, ठीक है। पहले दोनों सीरीज में थे, इन दोनों सीरीज को हमने क्या करा? सॉल्व करा। तो दोनों सीरीज को सॉल्व करा तो कितना आया? 30। अब देखो ये 20 ओम का रेजिस्टेंस और ये 30 ओम का रेजिस्टेंस आपस में काय में लगे हुए, दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, एक के बाद एक लगे हुए। देखो इसका एक सिरा, इसका एक सिरा, मतलब दोनों का एक सिरा एक ही साथ लगा है, दोनों का दूसरा सिरा भी एक ही साथ लगा है, मतलब ये दोनों काय में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए। अब जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होता है? गुणा बटे योग, दोनों का गुणा, मतलब 20 इंटू 30 बटे दोनों का योग, मतलब 20 प्लस 30,
तो 20 × 30 कितना हो गया, 600/50, इससे ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 12 बार। मतलब इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, यहां पर लिख देते, 6 से कितनी बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा, 12, ये हो गया 12। मतलब इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, 12 ओम, कितना है, 12 ओम। समझ में आया किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो समझो, सबसे पहले देखो कि ये 3 ओम और ये 10 ओम का जो प्रतिरोध है ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये 3 ओम और ये 10 ओम का जो प्रतिरोध है दोनों काय में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। कैसे पता करा, इन दोनों का एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा भी एक साथ जुड़ा हुआ, मतलब ये दोनों काय में है समांतर क्रम में। और एक समांतर क्रम में पता करने का तरीका क्या है, यहां से करंट फ्लो करो। देखो यहां से करंट फ्लो करोगे तो करंट को यहां पर जाके दो रास्ते दिखेंगे, एक ऊपर I1 एक नीचे I2। तो जब करंट डिवाइड हो, जहां पर जाके करंट डिवाइड हो वहां पर क्या होता है, समांतर क्रम, पैरेलल कनेक्शन। जहां पर करंट क्या हो, डिवाइड हो जाए, बट जाए, तो उसको क्या बोलोगे आप, पैरेलल कनेक्शन या फिर समांतर क्रम। मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम में धारा का मान असमान होता है। तो जैसे मैंने यहाँ करंट फ्लो करवाया तो यहाँ पर और यहाँ पर करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया मतलब ये दोनों काय में जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए। अब इन दोनों को मुझे एक ही रेजिस्टेंस बनाना है, इन दोनों को मुझे एक ही प्रतिरोध बनाना है। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होता है, गुणा बटे योग। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इधर देखना, गुणा बटे योग मतलब 3 × 10 / 3 + 10 तो कितना हो गया, 30/13। मतलब इस प्रतिरोध की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, 30/13। और इसके साथ में ये वाला प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 10 ओम का, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये दोनों प्रतिरोध काय में जुड़े हुए, ये दोनों प्रतिरोध काय में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए, श्रेणी में जुड़े हुए। जब दोनों प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए तो इनका कुल प्रतिरोध कितना होता है, दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दो, 30/13 + 10, 30/13 + 10। अब इन दोनों को कैसे जोड़ोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मानो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 13 में 13 का भाग लगाओ तो एक बार जाएगा, एक का गुणा 30 में करो तो 30, 13 में एक का भाग लगाओ तो 13 आएगा, 13 का गुणा 10 में करो तो 130, ये कितना आया, 160, ठीक है, बटे 13। तो इस पूरे परिपथ का R बराबर कितना आएगा, 160/13। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आया, 160/13, 160/13। इसको ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, R बराबर आया 160/13, ठीक है। आया समझ में, कैसे करा, सबसे पहले इन दोनों प्रतिरोध को सॉल्व करा, उसके बाद ये दोनों प्रतिरोध सीरीज में थे तो सीरीज में होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। पैरेलल वाले को कैसे सॉल्व करा, गुणा बटे योग। गुणा बटे योग का मतलब 3 × 30 और 3 + 10 कितना हो गया, 13। आया समझ में, ठीक है, आगे देखिए। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आप क्या करो, ज्ञात करो। कैसे करोगे समझना, यहां से करंट को प्रभावित करो, यहां से करंट प्रभावित करोगे, ध्यान से देखना, यहां से आई करंट जाएगा तो आई करंट यहां आगे दो रास्ते दिखेंगे उसको, तो एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया I2, फिर I2 यहां पर आके दो रास्ते दिखेंगे, ये आ गया I3 और ये आ गया I4, ये I4 पूरे इसमें जाएगा, ठीक है। तो जिसमें धारा का मान समान होता है वो श्रेणी क्रम होता है, और जिसमें धारा का मान असमान होता है वो दोनों क्या होते, समांतर क्रम में होते। तो आप देख सकते हो
कि 6 ओम और 24 ओम का जो रेजिस्टेंस है, 6 ओम और जो 24 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें धारा का मान क्या है, असमान है। मतलब ये दोनों काय में जुड़े हुए समांतर क्रम में जुड़े हुए, और 6 ओम और 2 ओम में एक ही करंट प्रभावित हो रहा है, ये I4 की करंट प्रभावित हो रहा है। मतलब ये दोनों काय में जुड़े हुए, ये दोनों काय में जुड़े हुए, ये दोनों आपके सीरीज में जुड़े हुए, श्रेणी में जुड़े हुए। और श्रेणी में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो क्या होता है, वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ता है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखना, ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 24 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। 6 और 2 कितने हो गए, 8 ओम रेजिस्टेंस। ये टोटल ये हो गया आपका इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि ये तीनों रेजिस्टेंस काय में जुड़े हुए, पैरेलल में जुड़े हुए। कैसे पता करा, यहाँ से करंट भेजा, ये करंट को दो रास्ते दिखे तो एक ये गया, फिर इस करंट को दो रास्ते दिखे तो एक ये गया, फिर यहाँ से करंट गया I4। तो आप देख सकते हो कि तीनों प्रतिरोध में अलग अलग करंट गया, ठीक है, तीनों प्रतिरोध में अलग अलग करंट गया, ठीक है। अब अलग अलग करंट गया मतलब तीनों प्रतिरोध काय में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हो, यदि दो हो तो हम गुणा बटे योग से निकाल लेते, यदि दो हो तो गुणा बटे योग से निकालो, और तीन हो तो कैसे निकालते हैं, हमारे फॉर्मूले से, जैसे 1/R³, ठीक है, उल्टा करके जोड़ना। जैसे सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते, समांतर में उल्टा करके जोड़ना। उल्टा करके जोड़ना मतलब 6 का उल्टा 1/6 प्लस 24 का उल्टा 1/24 प्लस 8 का उल्टा 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आएगा आपका 24। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका 24। 24 में 6 का भाग लगाया तो 6 चौक 24, 24 में 24 का भाग लगाया 1 तो 1 का 1, 24 में 8 का भाग लगाया तो 3 8 दिया 24, तो कितना हो गया 4 और 1 5 5 और 3 8। तो REQ 1/REQ बराबर 8/24, 8/24, 8 का 8 8 दिया 24। अब आपको तो कुल प्रतिरोध चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो तो REQ, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 का उल्टा कितना होता है 3। मतलब इस प्रतिरोध का, इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है 3 ओम, इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है 3 ओम। आया समझ में स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने देखा कि प्रतिरोधों का सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, और सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ आ जाए तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों की एक बार आप घर पे प्रैक्टिस करिए, यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू।